हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, अभी शादी सीजन चल रहा है और आज हमारे घर में ही चाचा के लड़के जो अनुदीप है उसका शादी है। और अगर आप जो बड़ा मेहमान वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा, उसमें अनुदीप और अलमा का बड़ा मेहमान का तो देख लीजिएगा। तो आज शादी है तो चलिए मड़वा का एक नज़ारा देख लेते हैं। तो गाइस, ये किंडो परिवार है और हम सभी किंडो हैं, तो किंडो परिवार में आप सभी का स्वागत है। ये दोस्तों, ये जो दो मड़वा देख रहे हैं ये अतिथि स्वागत का मड़वा है और इसे यहाँ पे फ्रंट में ही गाड़ा जाता है। चलिए अब अंदर का मड़वा जो है उसे देखते हैं। तो मेन एंट्रेंस गेट है दोस्तों, और इधर देख सकते हैं गोबर से लिपाई चल रही है, इसको ऐसे ही किया जाता है। और ये है झाला दोस्तों, ये छाया करने के लिए लगाया जाता है। और ये हमारा दोस्तों जो मेन बीच मड़वा है वो इसे देख सकते हैं। और ये जो बीच मड़वा है दोस्तों, ये भगवान का प्रतीक होता है। और किनारे किनारे के जो दो मड़वा है दोस्तों, ये पंच, इस साइड में भी एक पंच के रूप में देखा जाता है। और पीछे साइड चलते हैं उस साइड दोस्तों, तो इस साइड में मैं बता दूं कि ये वाला जो मड़वा है दोस्तों, ये लड़का का है और उसके माता पिता का, इस साइड दोनों साइड देख सकते हैं ऐसा माना जाता है। और इस साइड में भी देखा जाए तो एक साइड में लड़की, बीच वाला को लड़की के उस रूप में देखते हैं, और इधर इस साइड में देख सकते हैं ये माता और पिता का। तो हमारे आदिवासी रीति रिवाज कई प्रकार से हैं और जितना मतलब मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैंने बताया। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पूरे नौ मड़वा है, इसे एक तर्क के हिसाब से और भी देखा जाता है कि मतलब ये नौ महीने जो गर्भवती रहते हैं, ये मतलब प्रसव करने से पहले, मतलब नौ मड़वा उसका भी प्रतीक माना जाता है। तो आई होप ये जो जानकारी है आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आज का जो भी प्रोग्राम है, जैसे अभी इसके बाद में हल्दी का जो रस्म रहता है उसके बारे में देखेंगे। तो स्टे ट्यून दोस्तों। गाइस, अभी मैं किचन साइड में आया हूँ और किचन साइड का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे कटहल को काटा जा रहा है, तो इधर पीटर भाई है। पीटर भाई हेलो कर दो। हाय। तो यहाँ पे अच्छा क्यों काट रहे हो ये बता दो मेरे को। ये मड़वा झरा है। हाँ, काटा जा रहा है। हाँ, अभी आएंगे 3-4 बजे तो हड़िया के साथ चकना दिया जाएगा। अच्छा, बांटा जाएगा है ना। तो चलो ठीक है। इस साइड में दोस्तों हल्दी है, इसको बॉईल करके रखा गया है, ये देख सकते हैं। ये हल्दी देख सकते हैं, ये ओरिजिनल, इसको खोद के निकाले हैं क्या। तो ये ओरिजिनल हल्दी है, ये देख सकते हैं। और इसको अभी पीसेंगे, तो पापा बता रहे हैं कि इसी हल्दी को पीसने के बाद में जो हमारे दूल्हा बाबू है उनको इसी से लेप लगाएंगे पूरे बॉडी पे और नचवाएंगे दोस्तों। तो गाइज, इस साइड में देख सकते हैं ये चूल्हा है, और हमारा जो भी खाने पीने का आइटम है ये इसी चूल्हे पे बनेगा और बनते आ ही रहे दोस्तों। तो गाइज, मैं बता दूँ कि हम लोग आदिवासी मतलब ट्राइबल उसमें फॉलो करते हैं, उससे बिलोंग करते हैं, तो हम उरांव आदिवासी कहलाते हैं, उरांव जनजाति से आते हैं। हमारा जो कैटेगरी है वो ST है, तो फिर उसी से हम लोग इसमें आते हैं, उरांव आदिवासी कहते हैं। तो फिर अभी जो भी रस्म रिवाज जो होने वाला है हल्दी का, और जो भी है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद में ही मतलब हमारा जो हल्दी नचवाने का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, ये जो नौ मड़वा है उसके बारे में मैंने बता दिया है, पर दोस्तों एक बीच वाला जो मड़वा है जो भगवान का प्रतीक रहता है उसके बारे में कुछ चीज़ बताना बाकी है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पत्ती और ये इसको क्या बोलते हैं जी, बिंदी। अच्छा, बिंदी। तो ये इसको बांधा गया है, और जस्ट नीचे आते हैं वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे सिंदूर लगा है, मतलब यहाँ पे पूजा किया गया है। तो गाइस, इसमें हमको देखने को मिलता है, इसके अंदर जो बांधते हैं या ये डगाल देख सकते हैं, पत्ती देख सकते हैं, इसमें आम की डाली रहती है, पत्ती रहती है, भिलवा बांस जिसे हम बम्बू कहते हैं, और एक जंगल में मिलता है दो पेड़ रहता है, सीधा का पेड़, और उसकी डाली पत्ती सहित इसमें लगाया गया है। और इसी के अंदर दोस्तों, इसके अंदर हमको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जो कि एक लोहे का सब्बल है, उसे इसमें डाला गया है। और दोस्तों, जस्ट ये जो
चबूतरा जैसे बना है, देख सकते हैं ये वाला। इसके अंदर जो जब ये मड़वा को गाड़ रहे थे उस समय, जो ये सराय का पत्ती है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये सराय का पत्ती है। इसी सराय के पत्ती में चावल को लपेट के डाला गया है और कुछ दान के रूप में जैसे 101 रुपए या तो 501 रुपए इस प्रकार से मतलब इसके अंदर में डाला जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ एंटिक है, अलग ही लग रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वेट करते हैं अब हल्दी टाइम का। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि शादी जो होता है वो एकदम मतलब नॉर्मल नहीं होता है। खूब गाजे बाजे के साथ में, मनोरंजन के साथ में किसी का भी शादी मनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसके लिए काफ़ी दिनों से मतलब मेहनत किया जाता है। तो गाइस, आज की जो शादी या मड़वा है, हल्दी लगाने का जो भी रस्म है, उसमें बाजे का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो भैया लोग यहाँ पर बाजे वाले हैं, बाजा लेके आए हुए हैं, और इस साइड में देख सकते हैं ये बाजा। तो भैया लोग से मिलते हैं और उसके बाद में हर बाजे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। यहाँ पे भैया है और भैया का स्वागत है हमारे चैनल ART के ब्लॉग में। और ये कहाँ से आए हैं भैया? यहाँ लोग बम्बा से, बम्बा वाले हैं। और चलिए थोड़ा सा बाजे के बारे में बता दीजिए। हाँ, इसको बोलते हैं सामर का सिंह। तो ये सांबर का सींग है? हाँ, सांबर का सींग को इस बाजा में लटकाए हैं, इसको हाँ बांधे हैं। हाँ, और उसके बावजूद में इधर फूल उल बनाया है इसको। और ये है, ये सांबर का सींग में ही लोहा को इसमें लगा दिए हैं, लोहा का। अच्छा, तो ये देख सकते हैं, ये सांबर का सींग है दोस्तों। हाँ, और इसमें ये लोहा का तलवार जैसा है ये लगाया गया है। और ऐसा, अच्छा, तो गाइस ये इधर देख सकते हैं, ये वाला डफली है। हाँ, ये डफली है। और इसको, अच्छा, उसको बजाने वाला क्या है? डंडा से बजाते। अच्छा, डंडा से बजाते हैं। और इस साइड में आते हैं दोस्तों, इस साइड में ये वाला कौन सा है? ये भी नगेड़ा है। ये नगेड़ा है, ये सिंपल वाला है ना? सिंपल वाला, सींग नहीं लगाए। सींग नहीं लगाए हैं, ठीक है। एक छोटा नगेड़ा देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटा वाला है। और ये सहनाई है। ये सहनाई, सहनाई तो शादी में होना जरूरी है दोस्तों। ये देख सकते हैं सहनाई है। तो सहनाई का भी हम दिखाएंगे दोस्तों, जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सहनाई भी बजेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं हल्दी टाइम पे।